द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुश आमदीद। आज एक दफ़ा फिर अमरीका से मेरे साथ शरीक गुफ्तगु हैं ऋषि भरद्वाज जी। ऋषि का ताल्लुक मध्य प्रदेश से है और आजकल ये अमरीका में पीएचडी कर रहे हैं। ऋषि जी, आप औरिया मकबूल जान को जानते हैं? Yeah, he was a bureaucrat and he's a journalist now. और काफी extremist views हैं उनके। मसलन क्या क्या आपके इल्म में है, क्या कहते हैं वो? Like वो कहते हैं कि मुसलमानों को वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं रहना चाहिए, मुसलमानों को इंडिया में नहीं रहना चाहिए और हिंदुओं को पाकिस्तान में नहीं रहना चाहिए। सो इस तरह के व्यूज लाइक यू नो 21st सेंचुरी में सो एक्सट्रीमिस्ट ही कहे जाएंगे। सो या ही इज एन एक्सट्रीमिस्ट। अच्छा, तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनकी बेटी स्कॉटलैंड में रहती हैं और उनके जो सन इन लॉ हैं वो स्कॉटलैंड यूनिवर्सिटी एडिनबरा यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और वो पंजाब के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रह चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के। उनकी एक कोटेशन मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, वो लिखते हैं और ये है 2010 की डेली एक्सप्रेस 2010 23rd of January। वो लिखते हैं जी कि दूसरी जंग अजीम से पहले यानी सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में एक मखसूस किस्म की बस्तियां हुआ करती थी जिनकी बदबू दूर से महसूस होती थी, जहां ना सेहत की सहूलतें थीं और ना पानी और बिजली की। स्कूल और शिफाखाने यानी हॉस्पिटल्स उनसे बहुत दूर थे और वहां एक खास मजहब यानी जूडेइज्म के मानने वालों को जबरदस्ती रखा जाता था। अब पूरी दुनिया में हिंदुस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां ऐसी बस्तियां पाई जाती हैं और मुसलमान उनमें रहते हैं। तो आप क्या कहेंगे इसके जवाब में? देखिए, जो अभी जो आपने जस्ट कुछ सेकंड्स पहले ही कहा कि जबरदस्ती रखा जाता था, इंडिया में तो ऐसा कुछ है नहीं मसला कि जबरदस्ती मुसलमानों को उन बस्तियों में रखा जा रहा है। अब वो ही गेटोस बना के रहना चाहते हैं तो अब इसमें कोई क्या कर सकता है। और हर सोशियो इकोनॉमिक जो है, ये बात सच है कि मुसलमान इंडिया के हर सोशियो इकोनॉमिक जो है पैरामीटर पे हिंदुओं से और बाकी कम्युनिटीज से पीछे हैं, बट इसमें उन्हीं की गलती है। उनके लिए तो गवर्नमेंट कितना कुछ करती है, कितनी स्कॉलरशिप्स मुसलमानों को देती है, कितने करोड़ एंड करोड़ ऑफ रुपीज एवरी ईयर, कितनी सारी वेलफेयर स्कीम्स चलाई हुई हैं, एक अलग से मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसका कितना हजारों करोड़ का बजट होता है हर साल का, कितना जो है खर्च करती है गवर्नमेंट ऑन माइनॉरिटी कम्युनिटीज, बट फिर भी मुसलमान पीछे हैं। तो इसमें कुछ मुसलमानों को भी अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि किन गलतियों की वजह से वो इतने पिछड़े इतने बैकवर्ड हैं। तो गवर्नमेंट को ब्लेम वेरी इजी। अच्छा, आपको याद है कि 2008 में शबाना आजमी ने कहा था कि उनको रहने के लिए जगह नहीं मिल रही मुंबई में, तो क्या किसी भी मुसलमान को वहाँ जगह नहीं मिलती रहने के लिए, तो क्या उनके मियाँ जो हैं जावेद अख्तर वो कहीं झोंपड़ी में रहते थे उससे पहले? और शाहरुख जो हैं, अभी मैंने देखा कि उनकी नेटवर्थ जो है वो $600 million है, तो क्या वो किसी, तो वो क्या किसी झोंपड़ी में रहते हैं? No. और कितने सारे आमिर खान है, सलमान खान है, सो आप देख सकते हैं, अजीम प्रेम जी हैं, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया। तो शबाना आजमी को क्या कितना मत... तो शबाना आजमी को क्या मसला दरपेश हुआ था? अब देखिए, ऐसे इंडिविजुअल केसेस तो बहुत सारे जो है रीजंस की वजह से रिजेक्ट किए जाते हैं अपार्टमेंट्स, तो ये कोई बहुत बड़ी न्यूज नहीं है कि सिर्फ अगर रिलीजन की वजह से ही रिजेक्ट किया गया। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, नहीं देना चाहता कोई अपना अपार्टमेंट रेंट पे तो वो मना कर देता है, तो अब उसमें रिलीजन को जोड़ना कि उनके साथ ऐसा हुआ और हर मुसलमान के साथ ऐसा हो रहा है, दिस इज यू नो नॉट फेयर। अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा था कि ये एक्चुअली इट स्टार्टेड विद द पारसीज एंड जैन्स, आई थिंक उन्होंने कुछ ऐसी इजाजत ली कि हम अपने ही कम्युनिटी के लिए अपार्टमेंट्स बनाना चाहते हैं और उसमें उसी कम्युनिटी के लोग होंगे। यस,
हाँ ऐसी कुछ सोसाइटीज पाई जाती हैं, बट वो बहुत ही लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि पूरे इंडिया में ऐसी सोसाइटीज पाई जाती है, कुछ शहरों में ऐसा सोसाइटीज आपको मिलती हैं, बट अच्छा, नॉट लाइक ऑल ओवर इंडिया। पाकिस्तान में खास तौर पे और इंटरनेशनली भी शायद ये इम्प्रेशन है कि मुस्लिम्स जो हैं उनको मार्जिनलाइज किया जा रहा है अंडर द प्रेजेंट गवर्नमेंट इन इन इंडिया। तो हाउ डू यू लुक एट दिस स्टेटमेंट? देखिए, ये तो जो है पाकिस्तान हमेशा से ही बोलता आया है। इवन पाकिस्तान बनने के पहले मोहम्मद अली जिना यूज टू से कि कांग्रेस इज अ फैसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और गांधी इज अ हिंदू सुप्रेमेसिस्ट, और अगर पाकिस्तान ना बना तो इंडिया में इस्लाम को खत्म कर दिया जाएगा और इवन दूसरे कंट्रीज में भी इस्लाम पर खतरा आ जाएगा। तो ये तो पाकिस्तानियों की शुरू से ही स्ट्रेटजी रही है ये सब बोलने की, तो इसका कोई इसमें ट्रुथ नहीं है और ये ध्यान देने लायक कोई बात है ही नहीं। इवन आप ही रिपीट करते हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो ने आई थिंक 1968 में कहा था कि इंडिया में मुसलमानों को सप्रेस किया जा रहा है, ऑन दीज लाइंस ऐसा कुछ कहा था। सो ये तो हमेशा से ही किसी की भी गवर्नमेंट रहे, पाकिस्तान विल रिपीट द सेम लाइन अगेन एंड अगेन। सो उसका आप उसे कोई ध्यान देने लायक बात है ही नहीं। अच्छा, तो कश्मीर में क्या सिचुएशन चल रही है अभी? कहा जा रहा है कि जी कश्मीर, बहुत से गैर कश्मीरियों को डोमिसाइल दिया जा रहा है कश्मीर का, और डेमोग्राफिक बैलेंस चेंज करने की कोशिश की जा रही है। देखिए कश्मीर में जो है, कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, वहां पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू है, ओके, और वहां पर एक डोमिसाइल लॉ भी है। तो जो उस डोमिसाइल लॉ में क्वालिफाई करेगा ही वुड बी गिवन द डोमिसाइल, जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगी। और जहां तक डेमोग्राफिक चेंज करने की बात है, कश्मीर वैली की पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस वाज अराउंड 68 लाख, तो अभी अगर मान सकते हैं अगर 75 लाख है, तो डेमोग्राफिक्स चेंज करने के लिए इंडिया को वहां पर करीब 1 करोड़ लोगों को बसाना पड़ेगा। एंड यू थिंक इट इज इजी थिंग? नो। सो डेमोग्राफिक चेंज और ये सब प्रोपेगेंडा एंड नथिंग लाइक दैट इज गोना हैपन। डेमोग्राफिक चेंज करना इतना इजी नहीं होता है कहीं का भी, और खास करके आपको 1 करोड़ लोगों को बसाना है, 5-10 हजार लोगों को बसाने की बात नहीं है। सो ये भी एक प्रोपेगेंडा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ऋषि ये कहते हैं कि हिंदुओं को हार्ड लाइनर बनाने में और उनको मिलिटेंट बनाने में भी मुसलमानों ने कोई रोल अदा किया। डू यू बाय दैट आर्ग्यूमेंट? हिंदुओं को मिलिटेंट बनाने में, मिलिटेंट बनाने में या हार्ड लाइनर बनाने में? कितने हिंदू हार्डलाइन हुए, कितने हिंदू मिलिटेंट हुए? आपका क्या ख्याल है कि वहां पे जो है वेरी इनसिग्निफिकेंट माइनॉरिटी, बहुत ही कम लोग, बहुत ही इनसिग्निफिकेंट माइनॉरिटी है। क्योंकि हाँ बट हमारे एक हाँ बट इसमें एक एक पॉइंट है कि लाइक सेकुलरिज्म कैन नॉट बी अ वन वे ट्रैफिक, और काफी सालों से, आई कैन से डेकेड्स से जो है, सेकुलरिज्म वाज अ वन वे ट्रैफिक। कि आपको इंडिया में तो सेकुलरिज्म चाहिए, हिंदू बहुत ब्रॉड माइंडेड रहे, हिंदू सेकुलर रहे, लिबरल रहे, प्रोग्रेसिव रहे, पर हम अपना जो है कट्टर अपना रिलीजन पे कायम रहेंगे। तो पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क रहे, बांग्लादेश इस्लामिक मुल्क रहे, इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ द स्टेट, हाँ बट इंडिया सेकुलर रहे। तो काफी दिनों से जो है सेकुलरिज्म वॉज अ वन वे ट्रैफिक। अब कुछ हिंदुओं ने सोचना स्टार्ट किया है कि मतलब कि हम ही ने कोई ठेका ले रखा है सेकुलरिज्म का, बट फिर भी वो बहुत ही छोटी माइनॉरिटी में है। ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ऑफ हिंदू दे स्टिल बिलीव इन सेकुलरिज्म। कि तो क्या जैसे मसलन आप आरएसएस? देख लीजिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा, जैसे पाकिस्तान में कोई हिंदू प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता है, प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है, आर्मी चीफ भी बनना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और आर्मी चीफ जो, अब पाकिस्तानी आर्मी का मोटो है ईमान एंड जिहाद एंड ऑल दैट, तो उसको डिफाइन किया गया है कि व्हाट इज ईमान एंड व्हाट इज जिहाद एंड व्हाट इज तकवा इन द ISPR वेबसाइट, और वो आप वेबसाइट देख सकते हैं। सो व्हाई वुड अ नॉन मुस्लिम बिलीव इन दोस कॉन्सेप्ट्स? सो दैट मीन्स नॉन मुस्लिम शुड नॉट इवन ज्वाइन पाकिस्तानी आर्मी, क्योंकि वो तो बिलीव ही नहीं करता है, ना वो ईमान में बिलीव करता है, ना वो जिहाद में बिलीव करता है,
ना वो तकवा में बिलीव करता है, सो व्हाई शुड ही ज्वाइन द पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस। लेकिन तो पाकिस्तान इस हद तक स्टेट स्टेट लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन है। सो हिंदूज आर सम हिंदूज आर बिगनिंग टू थिंक कि सेकुलरिज्म वन वे ट्रैफिक नहीं रह सकता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि शाह बानो केस जो था वो एक टर्निंग पॉइंट था, तो क्या कहेंगे आप उस केस के बारे में और उसका क्या रिएक्शन हुआ इंडिया में? या जो शाह बानो केस पर जो एग्रेसिव स्टैंस जो अपनाया मुस्लिम कम्युनिटी ने और कहा कि हमारे पर्सनल लॉज में हम कोई भी छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, जबकि हिंदू मैरिज एक्ट वो पास हो गया था 1955 में, पर मुसलमानों का कोई भी जो है उसमें रिफॉर्म पर्सनल लॉज में नहीं आ पाया ड्यू टू द स्टबर्ननेस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। और ये बात जवाहरलाल नेहरू के सामने भी उठाई गई थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि मतलब उनको एक तरह से अलेज किया है उनके कैबिनेट मेंबर ने कि आप हिंदुओं के सोशल रिफॉर्म के लिए तो हमेशा रेडी रहते हैं पर आप मुसलमानों के सोशल रिफॉर्म के लिए कभी रेडी नहीं रहते। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि द मुस्लिम कम्युनिटी इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, मुस्लिम कम्युनिटीज को अपने अंदर से ही जो है इसके लिए इनिशिएटिव लेना होगा कि नहीं हमारे आप तो जो है उसमें रिफॉर्म करिए तभी गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, पर जब तक मुस्लिम कम्युनिटी रेडी नहीं है रिफॉर्म्स के लिए तो गवर्नमेंट हमारी कुछ नहीं कर सकती है। तो वो जो है एक स्टार्टिंग पॉइंट था, और फिर उसके बाद जो मतलब चलता ही गया डेकेड्स तक, फिर शाबानो का केस हुआ उसमें जो दिखाया मुस्लिम कम्युनिटी ने यू नो बैकवर्डनेस और इन यू नो स्टबर्ननेस कि हम कोई जो है इसमें छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे अपने पर्सनल लॉज में, तो वहां से जो है मसले और बिगड़ना स्टार्ट होते गए। और फिर जो बाबरी मस्जिद पर भी जो उन्होंने दिखाया एग्रेसिव स्टैंड से और इतने सालों तक केस लड़ा कि जो है ये हमारी जमीन है हम नहीं देंगे और क्या सबूत है कि भगवान राम यहीं पर पैदा हुए थे और इस टाइप की जो बातें की, तो उससे जो है मामला और बिगड़ता ही गया। सो कुछ फ्लेक्सिबिलिटी मुस्लिम कम्युनिटी को भी दिखानी चाहिए काफी मामलों में। अच्छा, आप जहां तक मुझे पता है आप बीजेपी के सपोर्टर नहीं है, तो आप क्या कहते हैं ये जो राम जन्मभूमि बाबरी मॉस्क कंट्रोवर्सी थी उस पे क्या कहते हैं आप, क्या वजह क्या थी उसकी? देखिए ये काफी इनसिग्निफिकेंट इशू था और इसको आराम से जो है नेगोशिएशंस और डिस्कशन से और गुडविल से, क्योंकि देखिए कंट्रीज जो है वो गुडविल से चलते हैं, वो कोई लॉ से या ये सब से नहीं चलते हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज गुडविल बिटवीन द कम्युनिटीज। तो अगर हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी में गुडविल होती और इस मामले पर अगर कोई जो है सेटलमेंट हो जाता तो इतना बड़ा इशू बनता ही नहीं, पर चूंकि कोई सेटलमेंट हो नहीं पाया इतने सालों तक जो है कोर्ट में केस चला और फिर जजमेंट आया, तो उससे मामले और कॉम्प्लिकेट हो गए। अगर मुस्लिम कम्युनिटी थोड़ा बड़ा दिल दिखाती और इस पर कॉम्प्रोमाइज कर लेती तो जो है इतना बड़ा इशू ये नहीं बनता बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि वाला। कॉम्प्रोमाइज से क्या मुराद है, क्या करना चाहिए था उनको? दे शुड गिव द लैंड, उनको तो मतलब देना चाहिए लाइक खुशी से कि आप बनाइए यहाँ पर राम मंदिर। नहीं तो क्या उसकी कोई एविडेंस मौजूद है कि वो जो मस्जिद थी वो एक मंदिर के ऊपर बनाई गई? जी अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा है ना कि एक स्ट्रक्चर है मंदिर का जो है मस्जिद के नीचे, और ये बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि हाँ एक मंदिर का स्ट्रक्चर है उस मस्जिद के नीचे, और वहां के जो है लाइक क्या लोकल्स में भी ये बिलीफ है कि बाबर ने जो है तोड़ी थी मंदिर तोड़ के यहाँ पर मस्जिद बनाई थी। और ये कोई आज का डिस्प्यूट नहीं है, ये डिस्प्यूट तो 350 साल से चल रहा था। ये ऐसा नहीं है कि ये डिस्प्यूट आरएसएस बीजेपी ने या कांग्रेस ने स्टार्ट किया या अभी 20-30 साल पहले स्टार्ट हुआ, ये तो करीब 350 साल से डिस्प्यूट चल रहा था और हिंदूज बिलीव कि भगवान राम वहीं पैदा हुए थे। अच्छा, उसमें एक एक मुस्लिम आर्कियोलॉजिस्ट का भी नाम आता है, के मोहम्मद नाम था उनका, क्या था? यस यस यस, तो उन्होंने भी कहा कि जो है एक स्ट्रक्चर है नीचे मस्जिद के, और उनका मेरे ख्याल वीडियो भी मौजूद है यूट्यूब पे। यस इट इज, यस। अच्छा, और क्या इश्यूज हैं? मसलन हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है कि बीजेपी और आरएसएस जो हैं वो एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो आप कैसे देखते हैं इस एलिगेशन को?
पाकिस्तान इज इन नो वे यू नो टू लेक्चर अदर्स ऑन टेररिज्म, कि ओसामा बिन लादेन कहां से पकड़ा गया था ये सबको पता है। सो पाकिस्तान यू नो इट्स यू यू कैन से इट्स द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। सो पाकिस्तान हैज नो राइट टू लेक्चर अदर्स ऑन टेररिज्म। एंड बीजेपी एंड आरएसएस दे आर पेट्रियोटिक ऑर्गेनाइजेशंस। इनका आरएसएस का इतना सोशल वर्क है, इतना जो है इनका लाइक रीच है, कहीं पर कोई भी कैलेमिटी होती है तो सबसे पहले आरएसएस के लोग जाते हैं, और इतना ये मतलब पेट्रियोटिक और डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है। और पाकिस्तानी जो है वो जानते नहीं है आरएसएस के बारे में ज्यादा। सो दे शुड कम एंड विजिट यू नो लाइक द कैंप्स ऑफ आरएसएस, और उसमें वो देखे कि उनको क्या बताया जाता है, कैसे पेट्रियोटिज्म की जो है उनको शिक्षा दी जाती है। सो देन दे वुड नो अबाउट आरएसएस। और यही ऐसा एक हुआ था वाक्या, खुशवंत सिंह ही विजिटेड गुरु गोलवलकर, और गुरु गोलवलकर से एंड खुशवंत सिंह ने खुद कहा कि आई डिडंट लाइक हिम टू मच एंड आई थॉट दैट ही इज एन एक्सट्रीमिस्ट एंड ऑल दैट, बट व्हेन आई मेट हिम आई इंटरव्यूड हिम, मैंने उनसे कई घंटों बात की, एंड देन यू नो आई वॉज काइंड ऑफ कंफ्यूज कि जो इमेज है वो तो कंप्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम द रियलिटी। रियलिटी में तो गुरु गोलवलकर इज अ वेरी डिफरेंट पर्सन हु बिलीव्स इन गुडविल, ह्यूमैनिटी एंड ब्रदरहुड, और जो इमेज पोर्ट्रे की जाती है दैट इज ऑफ एन एक्सट्रीमिस्ट। सो इवन खुशवंत सिंह के काफी सारे जो है जो उनके माइंड में थे मिसकंसेप्शंस वो दूर हो गए थे गुरु गोलवलकर से मिलने के बाद। सो अच्छा आरएसएस के बारे में काफी सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शंस हैं, अब की वैसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही ऑनेस्ट लोग होते हैं आरएसएस के, हु आर पेट्रियट्स एंड हु आर डिसिप्लिन्ड एंड हु रियली वांट टू सर्व यू नो इंडिया। उनके लिए नेशन फर्स्ट, उनके रिलीजन इज नॉट फर्स्ट, दैट्स व्हाई आरएसएस इज नॉट अ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। आरएसएस कोई हिंदू ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इवन एन एथियस्ट कैन बी मेंबर ऑफ आरएसएस, इवन अ मुस्लिम और अ क्रिश्चियन कैन बी अ मेंबर ऑफ आरएसएस। सो इट्स नॉट अ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। उनके जो होते हैं मतलब उनके यहाँ जो कैंप्स होते हैं उसमें कोई हिंदू देवी देवता की जो है फोटो या मूर्ति नहीं होती है, वहां पे सिर्फ भारत माता की फोटो होती है। सो दे अच्छा बिलीव नेशन फर्स्ट एंड दैट्स इट। अच्छा प्रेसिडेंट मुखर्जी भी गए थे आरएसएस के हेड ऑफिस, यस और यस वो एक अनयूजुअल वाक्या समझा गया था। तो ये बताइएगा कि डॉक्टर अंबेडकर को भी आपने पढ़ा है, डॉक्टर अंबेडकर का क्या यस व्यू था पार्टीशन के हवाले से? देखिए डॉक्टर अंबेडकर इसके लिए लाहौर रेजोल्यूशन पास किया गया था मार्च 1940 में, और उसी के 2-3 महीने के अंदर जो है डॉक्टर अंबेडकर ने एक किताब लिख दी थी, ये पार्टीशन ऑफ इंडिया और थॉट्स ऑन पाकिस्तान करके। तो 400-500 पेज की किताब है, वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है तो वो पढ़ सकते हैं। तो उसमें उन्होंने दोनों टाइप के आर्ग्यूमेंट्स दिए, लाइक फॉर पार्टीशन एंड अगेंस्ट पार्टीशन। तो उसमें उन्होंने कहा कि मतलब पार्टीशन क्यों होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए, और एट द एंड उन्होंने ये जो है समराइज किया कि पार्टीशन की कोई जरूरत नहीं है एंड मुस्लिम्स कैन वेरी वेल लिव इन अ यूनाइटेड इंडिया, और काफी सारे मैकेनिज्म्स हैं जिससे उनके जो है लाइक उनके राइट्स को सेफ गार्ड किया जा सकता है। बट स्टिल इफ मुस्लिम्स बिलीव दैट दे आर अ सेपरेट नेशन देन पार्टीशन शुड बी एक्सेप्टेड, क्योंकि नेशनहुड है वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक इमोशनल थिंग है। तो अगर मुसलमान खुद को एक अलग कौम मानते हैं बाकी सारे हिंदुस्तानियों से, तो हिंदुओं को भी पार्टीशन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और इसके बाद इसके लिए उन्होंने उसकी मिसाल दी बर्मा की, कि जो है 110 साल 120 साल तक बर्मा जो है वो इंडिया का पार्ट था, बट उसको फिर इंडिया से अलग कर दिया गया 1937 में। बोले कि अब 1937 में अलग किया बर्मा को इंडिया से, तब किसी भी हिंदू ने किसी भी इंडियन ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, किसी ने एक आंसू नहीं बहाया उस पे। तो बोले कि जब बर्मा के अलग होने पे किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, तो पाकिस्तान के अलग होने पर क्यों लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, जबकि बर्मा से इंडिया की यूनिटी ज्यादा है कंपेयर टू द यूनिटी बिटवीन लाइक हिंदू मेजोरिटी एरियाज ऑफ इंडिया एंड मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज ऑफ इंडिया। कहा कि इंडिया और बर्मा के बीच एक स्पिरिचुअल यूनिटी है, यूनिटी शुड बी स्पिरिचुअल, ये कहा, ये एग्जैक्ट वर्ड्स थे डॉक्टर अम्बेडकर के, कि आपकी ज्योग्राफी सेम है, आपकी लैंग्वेज सेम है, आपका कल्चर आपका खाना पीना सेम है। बोले दैट इज नॉट द यूनिटी, यूनिटी इज अगेन एन इमोशनल थिंग। तो कहा कि यूनिटी इंडिया और बर्मा के बीच ज्यादा थी
और एक उन्होंने, या एक उन्होंने एक आर्म्ड फोर्सेस का भी आर्गुमेंट दिया था कि जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी है उसके करीब 35-40% सोल्जर्स दे कम फ्रॉम द वेस्टर्न पंजाब एंड केपीके, लाइक दे आर पंजाबी मुस्लिम्स बेसिकली एंड पठान्स। तो बोले कि अगर इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है और सपोज इंडिया गोज ऑन अ वॉर विथ अफगानिस्तान और एनी अदर मुस्लिम कंट्री, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो सोल्जर्स जो है वो इंडिया के लिए लड़ेंगे। और काफी सारे मुस्लिम लीडर्स ने ये कहा भी था कि जो है लाइक इंडियन आर्मी जो है वो किसी भी मुस्लिम कंट्री से नहीं लड़ेगी। एक खिलाफत कमेटी ने कई रेजोल्यूशन इस पर पास किए थे कि इंडियन आर्मी विल नॉट फाइट, द मुस्लिम सोल्जर्स ऑफ इंडियन आर्मी विल नॉट फाइट एनी मुस्लिम कंट्री। तो बोले कि अगर इतने सिग्निफिकेंट यू नो पोर्शन ऑफ द आर्मी कैन नॉट बी ट्रस्टेड, तो फिर कैसे जो है जिस मुल्क का डिफेंस इतना कमजोर होगा तो वो मुल्क सर्वाइव कैसे करेगा। तो एक आर्ग्यूमेंट उन्होंने ये दिया था। और इसके अपोजिट पे भी उन्होंने काफी आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं कि पाकिस्तान की कोई जरूरत नहीं है, और क्यूबेक का मॉडल उन्होंने दिया जो कनाडा में है, कि कनाडा में क्यूबेक का मॉडल है, उनके बीच काफी दुश्मनी थी जो क्यूबेक जो फ्रेंच कैनेडियंस हैं और ब्रिटिश कैनेडियंस हैं, बट फिर उनमें जो है एक सेटलमेंट हुआ और क्यूबेक कनाडा का पार्ट भी है बट उसकी ऑटोनॉमी भी काफी हद तक है, तो वैसे भी किया जा सकता है। तो उन्होंने दोनों टाइप के आर्गुमेंट्स दिए उस पर, एंड एट द एंड यू नो ही लेफ्ट इट टू द रीडर टू डिसाइड एंड फॉर द पीपल टू डिसाइड कि क्या सही है और क्या गलत है। बट उन्होंने फिर 1955 में, आई थिंक 1955 में उन्होंने कहा डॉक्टर अम्बेडकर ने कि आई वॉज सो ग्लैड दैट दिस कर्स हैड बीन लिफ्टेड from the country. क्या कहा? That this curse was lifted from the country. Partition के बारे में कि ये हिंदू मुस्लिम जो है strife था, so this curse was lifted by partition. अच्छा, और भी उन्होंने कुछ लिखा था ना कि वो आप बता रहे थे कि वो मुस्लिम्स जो हैं they cannot live under a non-Muslim leader, वो क्या था? या तो उन्होंने वो दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम उसका उस कंसेप्ट के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि लाइक यू नो मुस्लिम कम्युनिटी विल नेवर एक्सेप्ट अ हिंदू गवर्नमेंट, और वो रेस्पेक्ट ही नहीं होगा मुस्लिम कम्युनिटी में टुवर्ड्स अ हिंदू गवर्नमेंट। सो इस लिहाज से भी जो है पार्टीशन सही रहेगा कंट्री के लिए, क्योंकि अगर पार्टीशन न हुआ देन इंडिया विल बिकम द सिक मैन ऑफ एशिया। ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे कि इंडिया विल बिकम अ सिक मैन ऑफ एशिया if the partition you know is not implemented. अच्छा, आपको पता है कि आजकल जो है बहुत से लोग ये बात करते हैं, और उनमें प्रोमिनेंट जो हैं, सबसे प्रोमिनेंट डॉक्टर आयशा जलाल हैं, वो अमेरिका में पढ़ाती हैं, और उनका कहना है कि जिन्ना डिड नॉट वांट पार्टीशन, और नेहरू ने एक्चुअली इम्पोज की पार्टीशन जिन्ना साहब पे। जिन्ना साहब जो थे वो बार्गेनिंग चिप के तौर पे पार्टीशन की डिमांड को कर रहे थे। और मैं यहाँ ये भी जिक्र करता चलूँ कि डॉक्टर अंबेडकर बहुत ही पढ़े लिखे शख्स थे, उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की, पीएचडी भी की, कुछ लोग तो कहते हैं कि डबल पीएचडी थी उनकी। तो बहुत बहुत ही मतलब अपनी उस जनरेशन के, ही वॉज अ हाईली एजुकेटेड एंड स्कॉलरली पर्सन। जी यस, जहां तक उनकी बात है आयशा जलाल की, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने खुद कहा कि जो पाकिस्तान कोई बार्गेनिंग चिप नहीं है एंड आई एम रियली सीरियस अबाउट इट। तो जब बंदा खुद कह रहा है कि आई एम सीरियस अबाउट इट और ये कोई बार्गेनिंग चिप नहीं है, देन हाउ कैन यू नो समबडी डिनाई दिस फैक्ट। और लोग ये भूल जाते हैं कि मतलब लीडर्स ने क्या कहा और क्या नहीं कहा ये एक डिफरेंट चीज है, बट स्ट्रीट पर क्या एटमॉस्फियर था दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो स्ट्रीट पर यही एटमॉस्फियर था कि हमें जो है अंग्रेजों की और हिंदुओं की गुलामी से आजादी मिले और एक अलग मुल्क बने जो कि इस्लामी रियासत हो, और यहाँ तक कहा कि ये मतलब दूसरा मदीना होगा। इसीलिए वेंकट धुलीपाला, प्रोफेसर वेंकट धुलीपाला ने अपनी बुक का नाम क्रिएटिंग अ न्यू मदीना रखा है। So, पाकिस्तान was thought of as an Islamic state, kind of a Islamic caliphate, और उसकी बहुत ज्यादा overwhelming जो है उसको support मिला from the Muslims of India. सिर्फ एक province कह सकते हैं KPK, जहाँ पर इस जो है campaign को उतना support नहीं मिला,
बट उसके अलावा ऑल ओवर इंडिया इट वॉज यू नो वेरी पॉपुलर स्पेशली इन प्रोविंसेस लाइक यूनाइटेड प्रोविंसेस एंड बिहार एंड सेंट्रल प्रोविंसेस लाइक दैट। अच्छा प्रोफेसर धुलीपाला ने मौलाना शबीर अहमद उस्मानी के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है, और मैं कहीं पढ़ रहा था कल कि मौलाना शबीर अहमद उस्मानी ने अगस्त ही में अगस्त 47 में एक स्टेटमेंट दिया था जिना साहब की स्टेटमेंट के जवाब में। जिना साहब ने 11 अगस्त को कहा था कि हिंदूज विल सीज टू बी हिंदूज एंड मुस्लिम्स विल सीज टू बी मुस्लिम्स, यानी वो एक तरह से सेकुलरिज्म का मैसेज था। लेकिन मौलाना शबीर अहमद उस्मानी ने उसके कुछ दो हफ्तों के बाद शायद एक स्टेटमेंट इशू की जिसमें उन्होंने कहा कि नो नो नो, हिंदूज विल रिमेन हिंदूज, मुस्लिम्स विल रिमेन मुस्लिम्स। तो और क्या आपने पढ़ा धोलीपाला की किताब में? देखिए, यहाँ शब्बीर अहमद उस्मानी की बात है तो जब मोहम्मद अली जिना की डेथ हुई तब जो इंडिया के थे गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी, ही सेंड हिज कंडोलेंस मैसेज टू शब्बीर अहमद उस्मानी इंस्टेड ऑफ लियाकत अली खान। तो आप देख सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस थी शब्बीर अहमद उस्मानी की। और शब्बीर अहमद उस्मानी ने कई बार कहा कि अभी चूंकि पाकिस्तान बनाना है और ये एक पॉलिटिकल काम है, इसीलिए जिना जो है उनको और बाकी पॉलिटिशियंस को आगे रखा गया, बट एक बार जब पाकिस्तान बन जाता है उसको फिर इस्लामिक रियासत बनाना ये उलेमाओं का और मौलानाओं का काम होगा, तो वो काम जो है हम लोग करेंगे, अभी चूंकि पॉलिटिकल काम है इसीलिए अभी जिना को आगे किया जा रहा है। और ये बात कई बार जो है इन्होंने शब्बीर अहमद उस्मानी ने कही थी। सो शब्बीर अहमद उस्मानी हैड अ लीडिंग रोल इन क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, और इवन 1946 के इलेक्शन कैंपेन में शब्बीर अहमद उस्मानी और काफी सारे उलेमा जो है उन्होंने मुस्लिम लीग के लिए कैंपेन किया था। दे ब्रेक यू नो वो लाइक दे ब्रोक अवे फ्रॉम द दारुल उलूम देवबंद बिकॉज देवबंद वॉज सपोर्टिंग इंडिया, यूनाइटेड इंडिया। सो ये फैक्शन अलग हो गया था और उन्होंने अपना एक जमीयत उलेमा इस्लाम आई थिंक यही नाम था ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये बनाया उन्होंने और ये ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे इंडिया में कैंपेन किया फॉर मुस्लिम लीग। सो उलेमाज हैड अ बिग रोल इन क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, आई वुड से अ मेजर रोल इन क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इक्वल टू मोहम्मद अली जिना। लेकिन ये भी बड़ी दिलचस्प बात है ना कि अगर पाकिस्तान इस्लामिक लॉ के लिए बना था, इस्लामिक स्टेट बनना था इसने, तो फिर जिना साहब ने जो पहला लॉ मिनिस्टर था वो एक हिंदू को बना दिया जिनका नाम जोगिंदर नाथ मंडल था। ये अलग बात कि वो 1950 में डिसअल्यूजनड होके इंडिया चले गए और उन्होंने अपना जो लेटर ऑफ रेजिग्नेशन था वो इंटरनेट पे मौजूद है, वो बहुत ही पढ़ने की चीज़ है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ईस्ट पाकिस्तान में 10,000 हिंदू जो थे वो मारे गए थे और उसी के बाद जो है बहुत से हिंदू इंडिया चले गए थे, और लियाकत नेहरू पैक्ट भी हुआ था जिसमें ये कहा गया कि दोनों मुल्क अपनी माइनॉरिटीज़ को इक्वल राइट्स देंगे, इक्वल सिटीजन्स ट्रीट करेंगे। नहीं, इतने लाखों रेफ्यूजीज तो इंडिया में आ गए थे और इतने ज्यादा हो गए थे कि जवाहरलाल नेहरू एक्चुअली प्लान्ड टू अटैक ईस्ट पाकिस्तान और उसके दो तीन डिस्ट्रिक्ट यू नो ही प्लान टू कैप्चर देम कि जो हमारे यहाँ रेफ्यूजीज आ गए हैं इनको वहां पर सेटल कर दिया जाए। तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी रेफ्यूजी प्रॉब्लम एंड इंडिया एंड पाकिस्तान वर ऑलमोस्ट ऑन वर्ज ऑफ अ वॉर, तो ये हालत हो गई थी ड्यू टू द रेफ्यूजीज। सो एंड शब्बीर अहमद उस्मानी के बारे में आपने जो है कुछ मिनट पहले कहा था, सो ही कॉल्ड जिना द ग्रेटेस्ट मुस्लिम आफ्टर औरंगजेब जब जिना का फ्यूनरल हुआ था, और ये भी कहा था कि जिना का सपना था कि पूरे मुस्लिम्स जो हैं मोरक्को से लेके इंडोनेशिया तक वो सब एक ब्लॉक हो जाएं और ये और वो, तो काफी सारी चीजें कही थी जो जिनको पैन इस्लामिज्म कहा जा सकता है। सो यस, पाकिस्तान मूवमेंट वाज एन इस्लामिस्ट मूवमेंट, इट वाज अ पैन इस्लामिस्ट मूवमेंट एंड जिना वाज एन इस्लामिस्ट एंड ही वाज अ पैन इस्लामिस्ट, क्योंकि जो उन्होंने इजिप्ट में जिना ने जो स्पीचेस दी थी तो दैट इज पैन इस्लामिज्म। जिना ने कहा था कि अगर मतलब पाकिस्तान ना बना तो पूरे इंडिया में तो इस्लाम खत्म हो ही जाएगा और जो है फॉर दूसरे कंट्रीज में भी इस्लाम पर खतरा हो जाएगा और हम लोग एक साथ जुड़े हैं, अगर एक डूबा तो सब डूबेंगे। सो दिस इज नथिंग बट पैन इस्लामिज्म। और आपको पता है कि मुस्लिम ब्रदरहुड
जिसके लीडर थे, फाउंडर एंड लीडर हसन अल-बन्ना, उन्होंने खत लिखा था जिना साहब को, और जिसका जवाब जिना साहब ने दिया था और उनको कहा था कि हम आपसे गाइडेंस लेंगे कि हमें कैसे अपनी स्टेट चलानी है। So you can see like Jinnah was an Islamist. तो ये secular थे और ये थे और वो liberal थे. He was not liberal at all. और कश्मीर में जो जो गए थे जो insurgents, जो जिन लोगों ने कत्लेआम किया कश्मीर में जो terrorists थे, उनके बारे में कहा कि they should inculcate the spirit of mujahideen. ये अपने अंदर mujahideen की जो है वो feeling लाए और ये और वो. So this is not like secular discourse. So yeah, he was an Islamist and he was a pan-Islamist. Yeah, I would like to emphasize one point on Jogendranath Mandal. Jogendranath Mandal ko law minister banaya. I think that was just for a showpiece. Ye dikhane ke liye ki main dalitoon ka main kitna zyada matlab unka bhalai chahta hu aur kitna main khair khwa hu dalitoon ka. Because Jogendranath Mandal was a Dalit. But 3 saal mein koi bhi kaam nahi diya gaya Jogendranath Mandal ko literally. मतलब आई डोंट नो कि क्या काम किया 3 साल जोगिंद्रनाथ मंडल ने एज द लॉ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. इफ यू नो यू कैन टेल मी, बट आई एम नॉट, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर ही इवन डिड अ सिंगल सिग्निफिकेंट थिंग. बट दैट वाज जस्ट फॉर शोपीस एंड नथिंग एल्स. ही हैड नो, ही डिडंट डू एनी वर्क इन 3 इयर्स. और 1949 में ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन जो अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, उस पे yes. सारे जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नॉन मुस्लिम्स, उन्होंने उसको अपोज किया, और उसमें कहीं जोगिंद्रनाथ मंडल का नाम सामने नहीं आता कि उन्होंने उसमें कोई रोल प्ले किया हो, और वो लियाकत अली खान ने yes. पेश किया था एंड विद इन अ वीक इट वाज अडॉप्टेड. और इंडिया का जो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन था उस पे तो मेरा ख्याल 1 महीने से ज्यादा टाइम लगा था. इट वाज डिस्कस्ड एक्सटेंसिवली एंड देन इट वाज अडॉप्टेड यूनैनिमसली. Yeah, and they waited कि मुस्लिम लीग भी शामिल हो जाए इसमें, क्योंकि December 13, 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और फिर वेट किया 1 महीना कि मुस्लिम लीग इसमें ज्वाइन कर ले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तब हम पास करेंगे. बट जब देखा कि मुस्लिम लीग विल नॉट ज्वाइन, तो फिर पास करना पड़ा एंड इट वॉज फाइनली पास्ड इन जनवरी. जोगिंद्रनाथ मंडल डिड नथिंग फॉर 3 इयर्स, सो ही वॉज जस्ट अ नॉमिनल लॉ मिनिस्टर. Any final thoughts before we close the show? एक final thoughts तो यही है कि काफी ज्यादा propaganda है, misinformation है इंडिया के बारे में, RSS, BJP के बारे में, और like हिंदुओं के बारे में, हिंदू society के बारे में पाकिस्तान में. So people should study more, और propaganda में ना आया करें और अच्छे से पढ़ें, और जो historical sources है उनको पढ़ें, कहीं सुनी बातों पर बिलीफ ना करें. And then they will know the reality कि क्या सच है और कितने great leaders थे गांधी नेहरू और इंडिया कितनी great country है. Thank you so much. Thank you.